सो हे फ्रेंड्स, अब पापा फिर से जा रहे हैं उत्तराखंड, क्योंकि घर का काम स्टार्ट होने वाला है थोड़े दिनों में। काम तो स्टार्ट हो ही गया, दीवार हो रही है। हो रही है दीवार, तो मैं सुबह चला जाऊंगा, पीछे से ब्लॉग व्लॉग डालते रहूंगा, ठीक है। तो ये सारी पैकिंग हो गई है। घर तो सालों लग जाएंगे, सालों नहीं लगते, वो जल्दी बन जाएगा। 3 महीने ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, 3 महीने, 3 महीने में रहने लायक हो जाएगा, बाकी तो वो चलता ही रहता है। नहीं, हमें डेकोरेशन वगैरह सब परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट चाहिए तो 6 महीने लगाओ। 6 महीने? हाँ। इस टू लॉन्ग। टू लॉन्ग? 6 महीने? 6 महीने में घर बनता है कोई? 1 साल तो लगता है कटो कट। 2 साल लगते हैं घर बनने में। पर वो तो छोटा है ना। छोटा है तो 1 साल लगा लो, लेकिन मैं तो तुम्हें 6 महीने में दे रहा हूँ बना के, कंप्लीट और बिल्कुल करते होगी। तो फिर नहीं तो 3 महीने ज्यादा है, सिर्फ रहने लायक हो जाएगा। डेकोरेशन तो तुमने करनी है ना। हाँ, हम ले आएंगे यहाँ से। हाँ। हम इकट्ठा कर लेंगे। अभी आप जाओ बंजारा मार्केट चलेंगे। हाँ ठीक है, तो गाइस बंजारा मार्केट का भी व्लॉग आएगा। सो फ्रेंड्स, आज मेरे नए आईफोन से बन रहा है ये व्लॉग। ये मेरा आईफोन है। तो फ्रेंड्स, बाकी का व्लॉग आप पापा शूट करके लाएंगे, फिर आपको बीच बीच में हमारा व्लॉग दिखेगा और बीच बीच में पापा का दिखता जाएगा। तुम यहाँ से बनाते रहना, मैं वहाँ से बनाते रहना, ठीक है। लेकिन लाइक नहीं करते लोग। फ्रेंड्स लाइक कर दिया करो ना, तो लाइक करते ना कमेंट करते कोई, भाई क्या करें आगे और कैसे करें, अच्छा और कैसे करें, कुछ करते ही नहीं, कुछ लिखते ही नहीं। अच्छी बनी है तो नहीं लिखते, बुरी बनी है तो नहीं लिखते, और अच्छा कैसे करें वो नहीं लिखते, लाइक तो करते ही नहीं है। देख लेते हैं, व्यू हो जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं होते। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया अभी तक चैनल, जो सिर्फ देखने आते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दे और लाइक भी कर दिया करो वीडियो। और अगर आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट कर दिया करो, हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें बता दिया करो, और आपको क्या क्या कंटेंट चाहिए वो भी आप कमेंट में बता दिया करो। और आगे जैसे हम वहाँ पे घर बना ही रहे हैं तो पहाड़ों में, तो वहाँ पे हम काफी दिन रहेंगे, तो वहाँ के अच्छे अच्छे व्लॉग और आएंगे, क्योंकि पहले तो रेंट पे रहते थे कितने दिन, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो अब तो अपना बन गया, तो वहाँ घर के भी व्लॉग आएंगे, आसपास एरिया जो है वो दिखाएंगे, तो अच्छे व्लॉग आएंगे। अच्छे व्लॉग आएंगे गाइस, घर का जो भी लाइक इन्फॉर्मेशन हम देंगे हमारी लैंड की। और भी कोई लेना चाहेगा, कोई दोस्त मित्र कोई और लेना चाहे, कोई हमारा पड़ोसी बनना चाहे तो वो आ सकता है। हाँ वो आ सकता है। चलो ठीक है, अब मैं सुबह चला जाऊंगा 5 बजे, घर का ध्यान रखना। ठीक है गाइस, अब पापा के बाद घर की जो जिम्मेदारी आती है वो मुझ पे क्योंकि पापा के बाद मैं हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। अब सब मेरी सुनेंगे। ये देखो, ये बंदा मुझे सुबह से घुमा रहा है, कभी कहता यहाँ पर आटा खिलाता हूँ, कभी कहता हूँ वहां खिलाता हूँ, खिलाते खिलाते कहाँ ले आया, देखो कहाँ खड़ा है, रोड पे खड़ा करके यहाँ पकड़ा दिया पैकेट लस्सी का, तो यहाँ पी ले, बताओ पहले उसको खिचड़ी खिलाई, माँ की बनाई नहीं, फिर इसको खिचड़ी, सुना खिचड़ी खिचड़ी खिलाई, पराठा पराठे की बात चल रही थी, खिचड़ी खिलाई पहले, खिचड़ी खिलाई वो बिदई के साथ, फिर गूंद खिलाया मीठा, फिर ऊपर से लस्सी पिला दी, अभी तो मैं कचल मचल कर दिया सारा पेट में जाए के बनाया कुछ नहीं पता। हम दिल्ली से उत्तराखंड आ गए हैं, पहुंच गए हैं अपने जमीन पे, और जो हमने कैमरा लिया था ना वहाँ पे, तो वो कैमरा ये रहा, यहाँ पे हम लेके आए हैं, तो अभी हम अपनी ज़मीन पे लगाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा फिर कि ये कैसे वर्क करता है क्या है। अभी इसमें सिम डाली है, घर पे चेक किया था, अब
यहाँ पे लगाएंगे, फिर चेक करेंगे यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे है, फिर आपको दिखाएंगे। मेरा फोन तो दिखा दे। हाँ ये फोन लिया प्रेम ने नया, जो सैमसंग वाला वो डबल जो खुल जाता है ना वो। एक और सरप्राइज है, रुको। ये ऐसे खुल जाता है, ये बड़ा बन जाता है, टैप बन जाती है। बहुत बढ़िया फोन है, तो इससे पार्टी लेनी है अभी। मिस्त्री साहब नमस्कार, क्या कर रहे हो? ये स्पेशल दिल्ली से आया मिस्त्री कैमरा लगाने के लिए, देखो। ये हमने वो कैमरा जो लगाया था उसकी टेस्टिंग चल रही है, और ये पोल यहाँ पे लगा के, लकड़ी का पोल, और ये लगा दिया। अब सूरज उधर से निकलता है और इस साइड छिपता है, तो सोलर उसी हिसाब से सेट कर दिया ऊपर, क्योंकि इस साइड रहना है सूरज। इसका फेस इधर कर दिया, ये अपनी ज़मीन, और यहीं पे बनना है वो मकान, तो उसकी सिक्योरिटी रही रहेगी। और यहाँ पे दीवार होनी है पूरी। ए दुर्गा, और ये कैमरा मूव करता है, जो ये डुअल कैमरा है, मतलब एक ही कैमरे में दो लेंस हैं, दो कैमरे हैं, एक कैमरा सीधा रहता है और दूसरा कैमरा है जो वो मूव करता है, ये टिल्ट भी मूव करता है और पैन भी करता है और जूम भी कर सकते हैं। तो ये हम अपने फ़ोन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये घूम सकता है। आज तो सारा दिन इसी में ही लग गया, कैमरे में ही, कैमरे को लगाया, फिट किया, काट पीट के वो प्लाई ब्लू लगाई ऊपर ताकि वो बारिश से बचा रहे, और उसे फिट किया, और अभी बस खाना खाने के लिए आए हैं शाम का, रात का डिनर। आज कैमरे लग गए, जो कैमरा लगाने आए थे हम यहाँ। ये देखो, हम सुबह सुबह आए थे मिलने के लिए प्रधान जी को, और प्रधान जी ने देखो पराठा पराठा सलाद सब्जी लस्सी, अब कह रहे हैं खा के सो जाओ। और कुछ देखो कुछ दलिया खा रहे हैं। और ये नमक ही निकाह खुद का बनाया हुआ, इसमें भांग से लेके कई चीजें ऐसी बना रखी हैं, जिसको खिला दियो 3 घंटे नहीं हिलना। तो अब तो ये जैसे सूखा है, तो इसको कैसे खाते हैं? इसके ऊपर डाल लें, हाँ नमक ज्यादा ना हो जाए, मेरे मैं वैसे कम खाता हूँ ना नमक। थैंक यू प्रधान जी। देखो जो हमने पेड़ लगाए थे, वो पौधे लगाए थे, वो क्या हुआ, अब वहाँ पे वो होनी है, कंस्ट्रक्शन होनी है, पत्थर पुत्थर आने हैं, तो वहाँ से वो निकालने पड़ेंगे। और जहाँ हमने लगाने हैं उस जगह जहाँ पे घर बनना है उसके सामने, तो वहाँ पे अभी मिट्टी नरम है, वहाँ पे तो अभी लग नहीं पाएंगे, तो अभी वहाँ से निकाल के पौधे और यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ एक बार सारे पौधे एक साथ इकट्ठे रख देंगे, और उसके बाद फिर जब वहाँ पे घर बन जाएगा, मिट्टी सेट हो जाएगी, उसके बाद फिर ये निकाल के यहाँ से पौधे वहाँ लगा देंगे उसी पार्क में। तो यहाँ पे बकरियाँ भी बहुत हैं ना, वो भी आ जाती हैं, तो जिस पौधे को वो खा जाती हैं तो वो पौधा मर ही जाता है, फिर वो नहीं होता, तो उनसे बचाने के लिए ये लगा रहे हैं, थोड़ी छाया भी हो जाएगी और उन बकरियों से भी बच जाएगी। दूसरी वॉल जो घर के लिए करनी है, उसका सामान आ गया, ये देखो सीमेंट रेता बजरी सब। ये देखो यहाँ का मौसम, इस टाइम कितने बजे हैं, 4:30-5 होगा, और दिल्ली में देखो कितनी धूप होगी और कितनी गर्मी होगी, और यहाँ बिल्कुल ठंडा है। देखो बादल दिख रहे हैं आपको, धुंध दिख रही है, बहुत बढ़िया मौसम है। और इतनी इस टाइम दिल्ली में बाहर बहुत मुश्किल होता है ना, खड़े होना, घूमना,
यहाँ देखो मस्त हवा चल रही है ठंडी, और प्रेम गाड़ी साफ कर रहा है। वो देखो हेलो, ये खुद तो कुछ करता नहीं है, मेरे को काम लगा देता है। भाई जिसकी गाड़ी वो साफ करेगा। हम जो कैमरा लगा के आए हैं ना वहाँ अपनी ज़मीन पे, उसमें फीचर क्या है मैं आपको बताता हूँ, और हमने वो क्यों लगाया है। पर एक गाड़ी निकल जाए, उसमें क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो पहाड़ों में लाइट नहीं होती है ना, मतलब वैसे लाइट होती है लेकिन जैसे फार्म अब खेत में अब दूर कहीं है ना, या हम यहाँ पे नहीं हैं तो उसे ऑन करना ऑफ करना ये करना वो झंझट ख़त्म है। इसमें सोलर से चलता है ये सीधा, और सोलर के बाद फिर रात को ये बैटरी से चलता है, ताकि दिन में तो सोलर से चलता रहता है और बैटरी को चार्ज करता है, रात को वही बैटरी यूज़ करता है, सुबह फिर सोलर मिल जाता है उसे, तो ये 24 घंटे चलता रहता है। और दूसरा, इसमें आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है कि आपको वाईफाई लगवाना ही है, ऐसा भी नहीं है। इसमें सिम डलती है, सिर्फ जियो को छोड़ के, जो ये वाला मेरे वाला मॉडल है इसमें जियो की सिम नहीं चलती, जहाँ जियो को छोड़ के बाकी नेटवर्क है वो डल जाती हैं। तो उससे ये आप कहीं भी बैठे हो तो इसको आप देख सकते हो। इसमें दो कैमरे हैं, एक कैमरा फिक्स है, एक कैमरा मूव करता है, उसको आप पैन भी कर सकते हो इधर उधर मोबाइल से ही, अपने मोबाइल से ही कहीं भी बैठे हो, और टिल्ट भी करता है ऊपर नीचे बिल्कुल, और जूम भी कर सकते हो आप। तो इससे आप अपने खेत है फार्म है तो उसके पूरा मतलब 360 आप देख सकते हो, घूम जाएगा पूरा ये, और इसमें रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, मोशन ट्रैकिंग होता है, रात को कोई आया तो ये अपने आप ही उसको ट्रैक कर लेगा, पकड़ लेगा, और जिधर वो जाएगा बंदा उधर उधर ये मूव करता रहेगा, और रात को जैसे ये ब्लैक एंड वाइट देता है ना पिक्चर, उसको आप मैनुअली अपने फ़ोन से कलर भी कर सकते हो, तो कलर्ड व्यू आपको दिखाएगा, इसकी जो अंदर लाइट लगी हुई है वो ऑन हो जाती है। तो ये सेफ्टी के लिए सही है, ये बढ़िया है, और इसमें अलार्म भी लगा हुआ है, तो ऐसे काफ़ी फीचर हैं इसमें। और नेटवर्क होना चाहिए बस, ये है आपके सिम का नेटवर्क होना चाहिए बस, तो ये कैमरा बहुत बढ़िया है, और सोलर से चलता है, बिजली का कोई झंझट नहीं, लाइट का कोई पंगा ही नहीं, सही है बढ़िया। इसने अच्छी बात एक और सिखा दी आपको, आप ही बोलो कि ना इसमें जैसे सुबह मतलब जब तक धूप भी नहीं निकलती, बिना धूप के 6 बजे तो चार्ज होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो इसमें जो सोलर लगा हुआ है ना वो इतना बढ़िया इसकी वो है टेक्नोलॉजी है कि जैसे अभी सूरज बिल्कुल हल्का सा निकलता है बिल्कुल, तभी से ही चार्जिंग स्टार्ट कर देता है ये, और ऐसे ही शाम तक की तो यहाँ पूरा चलती रहती है, ऐसी एनर्जी है ये यहाँ की धूप में, सुबह बिना ही धूप के चार्ज होना शुरू होता है सब कुछ, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं है, है ना, तो धूप बिल्कुल सही मिल जाती है पहाड़ों में। हाँ, बस आपको ये है कि जहाँ रहते हैं वहाँ बिल्कुल जैसे हम हैं, तो हम बिल्कुल चोटी पे हैं, तो कहीं से भी धूप की रुकावट नहीं है, सर्दी में अच्छी धूप मिल जाती है यहाँ पे, जैसे सर्दियों में कहते हैं ना कि सोलर काम नहीं करता ये नहीं करता, यहाँ पे अच्छी धूप मिल जाती है, सर्दी में भी ये पूरा काम करेगा। तो बाकी वहाँ तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि कैसे लगा हुआ है, और इसके अंदर कैसे वो आती है वीडियो आती है वो मैं आपको दिखा दूँगा कि फ़ोन पर कैसे दिखता है ये, मोबाइल में कैसे दिखता है। बंदा देखो गाड़ी चमकाने में लगा हुआ है, देखो आप जिस चीज में बैठ के घूमते हो उस चीज को आप साफ नहीं करो तो आपका प्यार बढ़ेगा नहीं कभी उसके साथ, तो मत घूमा कर। तो गाड़ी के बिना जाएगा कैसे? अपनी ले आऊंगा, तेरे लिए ना ले आऊंगा। ठीक है फिर अपने वाले में चला दियो। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता। ओके ओके बाय, ओके बाय। देखिए ना इसमें नाइव लेके तो जाओगा नहीं, आप अपने वाले में जाओ, उससे प्यार करो, फिर जाओ गाड़ी में, उतना के प्यार कर लेंगे, वापस ले चलियो घर बस। भाई कोई भी काम, आप जो भी इधर उधर कहीं घूमना है, जमीन कुछ भी काम हो ना, उससे प्यार करो। आज पता लगा, सीखता रहे, अगर बड़ी बड़ी बातें मैं बताता रहता हूँ। अबे साले जब, माफ करना मैं इधर उधर मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, बीच में घुस जाए इसके। नहीं, लोग आके ये सोचे कि मैं पहाड़ा पा गया तो अब बस आके यहाँ सो जाऊँ, खा लूँ पी लूँ लेटा रहूँ, उल्टा तुम बीमार होके जाओगे फिर। तो
यहाँ आके खा लिया पी लिया ठीक है, थोड़ी वॉकिंग कर, गाड़ी के ताला लगा दे, साफ करके खड़ी कर दे अपना, एक साइड ताले रख दे अंदर, यहाँ आके ट्रैकिंग कर जितनी हो सकती हो, घूम फिर, दिन में अपना ज्यादा धूप है तो दिन में आराम कर ले, सुबह और शाम पूरा ट्रैकिंग करके देख ना स्वस्थ होकर जाओ तो डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, लेकिन लोग आके यहाँ तली हुई चीजें खाते हैं, उल्टा पहाड़ियों को और खिला के जाओ हैं। और यहाँ पे पहाड़ों वालों को बल्कि और ये सिखा गए हैं कि हाँ ये चौमिन होता है, और दिल्ली वाले तो सिखा गए और क्या कि भाई हाँ चौमिन खा लो, मैगी खा लो, वो तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था मोमोज क्या होते हैं, चौमिन क्या होता है, पता ही नहीं था किसी को। यहाँ पहाड़ी खाना खा के देखो, आज हमने सुबह खाया है प्रधान जी के यहाँ, पहाड़ी खाने में बहुत मजा है, आप जेन्युइन चीजें खाओगे। अभी भी देखो सूरज है, धूप है, लेकिन लग नहीं रही है, मतलब हवा ठंडी है, धूप नहीं लग रही है, ठंड ठंड सी फील हो रही है, तो यही मजा है पहाड़ों का। तो ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद।